हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका PSS विजन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने कल मीडियंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सर्कल, मतलब कि ट्रायंगल के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम आज 2 सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सरकम सेंटर है। क्या है सरकम सेंटर? सरकम सेंटर को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हिंदी में बेटा इसको कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र ना। ठीक है, सरकम सेंटर का हिंदी में नाम होता है परिकेंद्र। ठीक है, अब सरकम सेंटर का जो हिंदी में नाम परिकेंद्र होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, सरकम सेंटर के बारे में तो हम जानेंगे जानेंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जान ले रहे हैं। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। ठीक है, और ये जो ए बी एक लाइन है, यहां से मैंने प्रकार रखा, और प्रकार से यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा दिया, और यहाँ भी एक आर्क लगा दिया। इसी तरह बी से भी मैंने यहाँ प्रकार रखा, यहां से मैंने क्या लगा दी, आर्क या चाप लगा दिया। ठीक है, और ये वाला, ये इन दोनों पॉइंट को क्या क्या मिला दिया। तो बेटा ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन आप देख रहे हो सी डी, जो सी डी लाइन है, ये ए बी लाइन को पहली बात आधे आधे में डिवाइड भी करेगी, और दूसरी बात यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, समझ में आया? क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी लाइन जो दी गई लाइन को आधे आधे में डिवाइड करो, जो दी गई लाइन को पहली बात आधे आधे में डिवाइड करे, ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड करे, दूसरी बात इसमें 90 डिग्री भी बनाए, तो उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने क्यों बताया, अब आपको धीरे से समझ में आ जाएगा जब मैं अगली बात करूंगा आपसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा बेटा एक ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर है? ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो बीसी लाइन है इसका मैंने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। क्लियर है सबको? ठीक है, क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। ये जो सीए लाइन है, मैंने इसका भी क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। इसी तरह ये जो ए बी लाइन है, इसका भी मैंने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। क्लियर है? ठीक है, तो आप देखिए ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ये वाला बीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में लंब समद्विभाजक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लंब समद्विभाजक। ठीक है, बीसी का भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, और एबी का, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो मैंने आपसे अभी अभी एक छोटी सी बात करी है। क्या बात करी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जो दिए गए ये आपकी जो बीसी लाइन है, या सीए लाइन है, या एबी लाइन है, पहली बात तो ये जो ये वाला परपेंडिकुलर, इसको आधे आधे हम डिवाइड करें, प्लस यहाँ 90 बनाएगा, ये वाला इसको आधे हम डिवाइड, प्लस यहाँ 90 बनाएगा, ये वाला इसको आधे आधे हम डिवाइड करें, प्लस यहाँ पे 90 बनाएगा। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, इसको कहेंगे सरकम सेंटर। क्या कहेंगे? और सरकम सेंटर को हमेशा सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, डिनोट आप किसी से भी करिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये सोच के चला करिए कि हाँ सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सरकम सेंटर होता है किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो सरकम सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। बोले तो लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्लियर है? थोड़ा सा मैं और आगे आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, तो आइए अगले फिगर की बात करते हैं। यहां पे मैं इसको एक दूसरे फिगर से सिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, ए बी डी।
इस ट्रायंगल का नाम ए बी डी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने सरकम सेंटर ले लिया, इस ट्रायंगल का मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, सरकम सेंटर। और आपको पता है सरकम सेंटर किसका कटान बिंदु होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सी से ए को मिला दिया, सी को बी से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया, ठीक है। सी को ए से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया, ठीक है। तो मैंने सी से ए तक की दूरी ले ली, कहाँ से कहाँ तक की दूरी ले ली, मैंने सी से लेकर ए तक की दूरी ले ली और इस दूरी यहाँ पे प्रकार रखा, यहाँ पे क्या रखा, प्रकार रखा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकार रखने के बाद मैंने क्या किया कि यहां से यहां तक की दूरी ले ली और यहां से मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। क्या बना दिया बेटा, एक सर्कल बना दिया, मतलब ये दूरी मानते हुए, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि जो सर्कम सेंटर से ये वर्टेक्स तक की दूरी, मतलब सी से लेकर ए तक की जो दूरी है, वो सी से लेकर जो दो बी तक की दूरी और वो जो सी से लेकर डी तक की दूरी है, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये सर्कम रेडियस है, ये क्या है, सर्कम रेडियस बोले तो कैपिटल आर है। क्लियर है सबको, क्या मैंने बोला, समझ में आया, ठीक है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, पहली बात तो मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में सिखाया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जो दी गई लाइन को पहली बात आधे आधे में डिवाइड करे, दूसरी बात 90 डिग्री भी बनाए, वो क्या कहलाती है, हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। दूसरी बात हमने क्या बताई आपको कि जब सर्कल, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर मिल जाएगा, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर मिल जाएगा तो सर्कम सेंटर से मैं वर्टेक्स तक को, एक वर्टेक्स को जोड़ दूंगा, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स को जोड़ दूंगा और वो वाली दूरी लेके मैं एक सर्कल बना दूंगा, तो बेटा ये क्या कहलाएगा आपका, सर्कम सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल या फिर परिवृत्त कहलाएगा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर किसका कटान बिंदु होता है, सर्कम सर्कल सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कटान बिंदु होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि सर्कम सेंटर से लेकर, सर्कम सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की दूरी जो कहलाती है, जो आर है, इसको क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं। सर्कम रेडियस का मतलब बेटा परित्रिज्या होता है, क्या होता है, परित्रिज्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इस सर्कम रेडियस के रिस्पेक्ट में जो सर्कल बनता है उसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल या फिर परिवृत्त कहते हैं। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सी ए होगा, जो सी ए होगा, जो सी बी होगा और जो सी डी होगा, वो तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी और वो क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी। क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सर्कम सेंटर किसका, बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर्कम सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। फिर सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या कहलाती है, सर्कम रेडियस कहलाती है, ठीक है। इस सर्कम रेडियस के रिस्पेक्ट में जो सर्कल बनता है उसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं, बोले तो परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त के रिस्पेक्ट में जो सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। थोड़ी सी बात आगे की भी कर ली जाए आपसे, जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। सपोज दैट इस ट्रायंगल का नाम क्या, ए बी डी, इस ट्रायंगल का नाम क्या, ए बी डी है, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे मान लीजिए सर्कम सेंटर पाया जा रहा है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सर्कम सेंटर पाया जा रहा है। मैंने सी से ए को मिला लिया, मैंने सी को बी से मिला लिया, यहाँ पे मैंने सी को डी से मिला लिया। अब आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सर्कम सेंटर। जब तक मैं सर्कम सेंटर बोल रहा हूँ तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये क्या है, सी पॉइंट क्या है हमारा, सर्कम सेंटर है, क्लियर है। और ये हमारी क्या है बेटा, सर्कम रेडियस है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मान लो इस वाले कोण का मान ए है, इस वाले कोण का मान क्या, ए है, ठीक है। तो आपसे जानते हो क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सर्कम सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये जो सर्कम सेंटर, जैसे आपको ये वाला एंगल दिया रहेगा, आपको ये वाला एंगल दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ये जो सर्कम सेंटर पे एंगल बन रहा है इसका मान क्या होगा, ये जो सर्कम सेंटर पे एंगल बन रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो बेटा देखो, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ करने की उतनी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये जो सर्कम सेंटर पे एंगल बन रहा है बी सी डी, ये जो बी सी डी बन रहा है ये क्या होगा, इसके जस्ट जो पीछे होगा,
जरा देखो पहचानते कैसे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। आप देखो बीडी लाइन देख रहे हो, बीडी लाइन देख रहे हो, देखो बीडी लाइन से ही ये देख बन रहा है बीएडी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बेटा। ये जो बीडी लाइन आप देख रहा है, जो बीडी लाइन है इसी बीडी लाइन से देखो बीएडी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसी बीडी लाइन से देखो क्या बन रहा है, बीसीडी बन रहा है। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो एंगल ए बनेगा या जो एंगल सी बनेगा वो हमेशा एक कॉमन लाइन से बनेगा। किससे बनेगा, एक कॉमन लाइन से बनेगा। जैसे बीडी लाइन से ही बीएडी बन रहा है और बीडी लाइन से ही बीसीडी बन रहा है, तभी आप देखना। तो जो बीसीडी एंगल होगा, जो बीसीडी एंगल होगा वो क्या होगा, जो बीसीडी एंगल होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट पीछे देखो, इसके पीछे एंगल ए है, तो जो बीसीडी होगा वो एंगल ए का क्या होगा बेटा, दुगना होगा। क्या होगा, एंगल ए का दुगना। जैसे मान लो मैं कहूँ ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके मैं आगे की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एंगल ए सी डी क्या होगा, क्या मैं कह दू, एंगल ए सी डी क्या होगा, क्या कह दू बेटा, एंगल ए सी डी क्या होगा। तो अगर एंगल ए सी डी की मैं बात करूं तो बता एंगल ए सी डी के जस्ट पीछे बताओ कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, बी। कैसे पहचाना मैंने भाई, ए डी लाइन देख रहा हूँ, ए डी से ही देखो ए सी डी भी बन रहा है और ए डी से ही क्या बन रहा है, ए बी डी भी बन रहा है। ठीक है, तो बताओ जो एंगल ए बी डी होगा, मतलब कि जो एंगल ए सी डी होगा, जो एंगल ए सी डी होगा वो किसका दुगना होगा, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे कौन है, बी है, तो बी का दुगना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह मान लो मैं कहूँ यहाँ पे एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी क्या होगा, मान लीजिए मैं कहूँ एंगल ए सी बी क्या होगा, तो एंगल ए सी बी के रिस्पेक्ट में इसके पीछे वाला है देख लो, तो क्या होगा, एंगल डी का दुगना होगा। किसका दुगना होगा, एंगल डी का दुगना होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, बस आपको कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पे अगर सर्कम सेंटर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि सर्कम सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो जस्ट उसके अपोजिट साइड देखो, उसके अपोजिट साइड ए दिख रहा है तो ए का दुगना कर दो, यहाँ पूछे तो इसके अपोजिट साइड बी दिख रहा है तो बी का दुगना कर दो, यहाँ पूछे तो इसके अपोजिट साइड डी दिख रहा है तो डी का दुगना कर दो। क्या बच्चे अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैंने सर्कम सेंटर के बारे में बताया कि सर्कम सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, वो क्या कहलाती है, सर्कम रेडियस या परित्रिज्या कहलाती है। सर्कम रेडियस के रिस्पेक्ट में जो सर्कल बनता है वो क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल कहलाता है। सर्कम सेंटर पे अगर किसी एंगल का मान पूछा जाए तो क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला एंगल देखिए और उसका क्या कर दिया, दुगना कर दीजिए और बात आपको निकल के सामने आ जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू बेटा 65 डिग्री, एंगल ए बराबर 65 डिग्री, एंगल सी बराबर 75 डिग्री, एंगल सी बराबर 75 डिग्री, ओ ओ परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब समझ गए ना, हिंदी में परिकेंद्र कहेंगे और इंग्लिश में सर्कम सेंटर। ओ परिकेंद्र है, ओ परिकेंद्र है, ओ परिकेंद्र है, तो एंगल ओ ए सी का मान क्या होगा, एंगल ओ ए सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 65 डिग्री, एंगल सी बराबर 75 डिग्री, ओ परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर है, तो कह रहा है एंगल ओ ए सी का मान क्या होगा। आइए तो आइए इसका डायग्राम हम लोग बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उस त्रिभुज का नाम क्या, ए बी सी है, उस त्रिभुज का नाम क्या, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी में एंगल ए कितना है, 65 डिग्री है, एंगल ए की वैल्यू 65 डिग्री है, एंगल सी कितना है, 75 डिग्री है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ परिकेंद्र है, तो यहाँ पे ओ कहीं ना कहीं सर्कम सेंटर पाया जाएगा, तो कह रहा ओ ए सी का मान क्या होगा, ओ ए सी, ओ ए सी, समझ रहे हो ना, ओ ए सी, इसका मतलब इस वाले एंगल का मान आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओ ए सी, इस वाले एंगल का मान आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। अगर मुझे ओ ए सी का मान बताना है तो ओ ए सी का मान कैसे बताएंगे, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा मेरी बात। ठीक है सब लोग, यार ये बताओ ये 75 है ना और ये 65 है कि नहीं है। अगर ये 75 है, ये 65 है, तो 75 में 65 जोड़ लो, तो 75 में 65 जोड़ो कितना होगा,
75 में 5 जोड़ो 80, 80 में 60 जोड़ोगे 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों को जोड़ के अगर 140 आ गया तो ये अकेला 40 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। ये अकेला कितना होगा, 40 होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर बेटा ये अकेला 40 होगा तो आप खुद बताइए कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो मैं कहूँ अगर कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 का दुगना 80 होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि बताओ अगर मैं ए सी के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ए सी के रिस्पेक्ट में एक ए ओ सी बन रहा है और ए सी के रिस्पेक्ट में ए बी सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर मुझे इस वाले ऑर्थो सेंटर पर एंगल निकालना है तो ये क्या होगा, पीछे वाले का दुगना होगा, तो 40 का दुगना क्या होगा, 80 होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा बेटा एक दूसरी, चलो अब अगली बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर होती है, क्यों बराबर होती है, क्योंकि ये किसका काम करती है बेटा, सरकम रेडियस का काम करती है। बेटा अगर ये सरकम रेडियस का काम करती है, अगर ये यहाँ ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर सी तक हमारी सरकम रेडियस का काम करेगी, तो सीधी सी बात है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। अगर ये दोनों लाइन बराबर होंगी तो आप खुद बताइए कि जब भी दो, जैसे ए ओ सी त्रिभुज में देखा जाए, अगर ए ओ सी त्रिभुज में मैं देखूं तो आपको पता है ये वाली और ये वाली लाइन बराबर है, तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये अकेला तो 80 हो गया, तो बचा कितना, 100 बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो बचा 100, इसका मतलब ये भी 50 होगा और ये भी क्या होगा, 50 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी कितना होगा, 50 होगा, क्लियर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा, 50 होगा, क्लियर है, ठीक है। और आपसे कौन सा पूछा था, ओ ए सी पूछा था, तो ओ ए सी का मान क्या हो जाएगा, ओ ए सी का मान 50 डिग्री हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। क्या बच्चे अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलिए फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया, ए बी सी में आपको पता है ये वाला 65 था, ये वाला 75 था, तो 55 65 जोड़ोगे 140 आएगा। अगर ये 140 है तो कितना होगा, 40 होगा ना। अच्छा अगर ये 40 होगा तो ये सरकम सेंटर, इसका मतलब 40 का दुगना 80 होगा। और आपको मैंने कहा था सरकम सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की लाइन आपस में बराबर होती है, अगर बराबर होती इसका मतलब ये दोनों सरकम रेडियस का काम करेंगे, इसका मतलब इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये 80 है, तो बचा कितना, 100, 100 का आधा 50 ही है, 50, ये क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात हटा दी इसको। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो सरकम रेडियस को कैसे फाइंड किया जाता है, सरकम रेडियस को कैसे फाइंड किया जाता है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू फाइंड सरकम रेडियस, हाउ टू फाइंड सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, हाउ टू फाइंड सरकम रेडियस, या फिर परित्रिज्या की लंबाई कैसे निकाली जाती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है ना, इसका ये, या मान लीजिए ए बी डी हमारा एक त्रिभुज है ना, ये इसका सरकम सेंटर है, ये हमारा इसका क्या है, सरकम सेंटर है। सी को ए से मिला दिया, सी को बी से मिला, सी को डी से मिला दिया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी क्या है, सरकम रेडियस है, ठीक है। यही कैपिटल आर निकालना है आपको। अच्छा आपको ये एक बात तो पता ही होगी कि ए के सामने वाली साइड स्मॉल होती, बी के सामने वाली साइड स्मॉल भी होती, और डी के सामने वाली साइड, या इसको चलिए कैपिटल सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल सी होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक बात जान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला मान लीजिए आपको एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, और आपसे सरकम रेडियस और ये वाला एंगल पता और ये वाली साइड पता है, ठीक है। मतलब जो एंगल पता उसके सामने वाली साइड की लेंथ पता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में सरकम रेडियस निकालने का क्या तरीका होता है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू साइन है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू साइन है। ये मैंने आपको साइन रोल में भी बताया था कि नहीं बताया था कि ए अपॉन साइन ए बराबर टू आर होता है, ठीक है। तो वहीं से ये चीज़ निकल के आई है कि यहाँ पे अगर मुझे कैपिटल आर देखना तो कैपिटल आर क्या होगा, ए अपॉन टू साइन ए हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे, मान लीजिए ये वाली साइड पता और ये वाला एंगल पता है, ये वाली साइड पता और ये वाला एंगल पता है, तब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बी अपॉन टू साइन बी, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल पता, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन टू साइन सी, क्लियर है सबको, ठीक है, सी अपॉन टू साइन सी, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो पहली बात तो सर्कम रेडियस निकालने का ये तरीका होता है कि अगर आपको साइड पता हो, साइड के सामने वाला एंगल पता हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ए अपॉन टू साइन ए बराबर बी अपॉन टू साइन बी बराबर सी अपॉन टू साइन सी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा दूसरी बात देख लेते हैं, कभी कभी मान लीजिए आपको ये तीनों साइड पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, और त्रिभुज का कोण भी पता है, त्रिभुज का सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है। क्या पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है। तो उसके रिस्पेक्ट में सर्कम रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कम रेडियस की बात करूँ, जैसे मान लीजिए अगर साइड और एंगल दोनों पता है, तब उसके लिए ए अपॉन टू साइन ए बराबर बी अपॉन टू साइन बी बराबर सी अपॉन टू साइन सी, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है, तो अब आप फॉर्मूला क्या लगा लेंगे? ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। क्लियर है सबको? चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। इसको हटा दूँ, ठीक है। देखिए मैं प्रूविंग किसी की नहीं बता रहा हूँ, इन सब की प्रूविंग भी होती है, लेकिन प्रूविंग मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लूँ। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 24, पी क्यू इज इक्वल टू 24, पी क्यू बराबर 24, पी आर बराबर 12, पी आर इज इक्वल टू 12, पी आर बराबर 12, पी एस बराबर 8, पी एस इज इक्वल टू 8, पी एस बराबर 8, पी टी व्यास है, व्यास का मतलब समझ जाओगे सर्कल का डायमीटर, पी टी व्यास है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है आखिर इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। ये जो पी टी व्यास है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी सर्कल बन रहा है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज हमने बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। इसमें पी क्यू की लंबाई आपको 24 दी गई है, पी आर की लंबाई 12 दी गई है, पी क्यू 24 दिया गया, पी आर 12 दिया गया है, ठीक है। और शायद इसमें आपको फिगर दिया ही गया था, इस क्वेश्चन का फिगर आपको दिया गया था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा फिगर मैं बना रहा हूँ वैसे ही बना लीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, इस क्वेश्चन का फिगर बेटा आपको दिया गया था एग्ज़ाम में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं फिगर भी बना के दे दे रहा हूँ जी। ये P है, ये Q है, और ये क्या है, R है। ये P है, ये Q है, ये R है, और ये QR है, और यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट S है, एक पॉइंट S है, और ये PT इसका व्यास है, PT इसका क्या है, व्यास है, PT अगर इसका व्यास है, इसका अलग सर्कल का सेंटर यहाँ ही कहीं पाया जा रहा होगा, है ना, ठीक है। और जो PS है, ये PS यहाँ पे 90 बना रहा है, और ये ट्रायंगल की क्या है, हाइट है, ये ट्रायंगल की क्या है, हाइट है, मतलब ये 8 है। क्लियर है, ठीक है। PQ की लंबाई 24 दी गई है, PR की लंबाई 12 दी गई है, PQ की लंबाई 24 दी गई, PR की लंबाई 12 दी गई है, और ये हाइट आपको दी ही गई है ना, और ये QR है, और ये PT हमारा क्या है, व्यास है, PT हमारा क्या है, व्यास है। क्लियर है। और आपको रेडियस निकालनी, क्या निकालनी, रेडियस निकालनी, ठीक है। तो यार आपको ये फिगर देखते ही, आपको ये फिगर देखते ही, क्योंकि त्रिभुज के बाहर सर्कल बन रहा है, अगर त्रिभुज के बाहर सर्कल बन रहा है, तो ये फिगर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से क्या निकलने वाली है, सर्कम रेडियस निकलने वाली, क्या निकलने वाली, सर्कम रेडियस। अगर यहाँ से सर्कम रेडियस निकलने वाली, तो बताओ सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा होता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सर्कम रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। तो बताओ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती, तो बताओ ये वाली भुजा तो आपको पता है, तो ये वाली भुजा का मान रख लो क्या, 24 ना। ये वाली भी भुजा चलो नहीं पता है, तो इस वाली भुजा का मान QR ही रख लो, नहीं पता है तो QR रख लो ना। ये वाली भुजा भी पता है, ये वाली भुजा का मान क्या रख लो, 12 रख लो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ
बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस हमारा क्यू आर है ना, बेस क्यू आर है और हाइट कितनी इसकी 8 है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना पहचाना कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के बाहर अगर कोई सर्कल बन रहा है इसका मतलब वो सरकम सर्कल है। अगर वो सरकम सर्कल है तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे ये वाली भुजा भी पता है, ये वाली भुजा पता और ये वाली भुजा नहीं पता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैंने ये वाली भुजा 24 मान ली, ये वाली क्यू आर ले ली और ये वाली क्या ले ली, 12 ले ली, ठीक है, और 4 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 3 12 और 4 6 24, तो आर इज इक्वल टू 6 3 क्या आ गया, 18 आ गया, क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है, आर इज इक्वल टू 18 आ गया। तो आप बताओ कि अगर अगर मुझसे पूछा था कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो आंसर आ गया 18, इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, 18 होगी। मान लो हमसे व्यास पूछा था, मान लो हमसे पीटी की लंबाई पूछी जाती तो कितना होता, 18 × 36 हो जाता, कितना होता, 18 × 36 हो जाता। क्लियर है सबको, समझ गए ना, ठीक है, चलिए एक अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज ए बी सी में a इज इक्वल टू 8 रूट 2 ना, एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि इसकी सरकम रेडियस निकालो, सरकम रेडियस बोले तो परित्रिज्या निकालिए, ठीक है, इसकी सरकम रेडियस निकालिए। तो मतलब मुझे कैपिटल आर की वैल्यू बतानी, बताओ तुम्हें ए भी पता और एंगल ए की वैल्यू पता है, तो बताओ कैपिटल आर आराम से निकाल सकते हो कैसे, ए अपॉन 2 sin a के फॉर्मूले से, बताया ना अभी, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 8√2 है, 2 into sin a क्या होगा, sin 45 और 8√2 तो है ही है, और 2 into sin 45 वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती कि नहीं होती है। अब देखिए ये √2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 8 into √2 into √2 होगा बटे 2, 2 से 2 कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, क्या आ गई, 8। क्लियर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो सरकम रेडियस है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है, ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल मैंने कहा था कि आज मैं इन सेंटर पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ हो गया, मैं आज इन सेंटर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कल 2 टॉपिक करा दूंगा, ठीक है, तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो चलिए फिर कल फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच। और 5 अक्टूबर से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, उसके लिए आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।